माय गॉड। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी, उम्मीद करता हूँ कि अच्छे होंगे। तो गाइज आज की वीडियो जो है वो बहुत ही कमाल की होने वाली है। आज का जो एक्सपेरिमेंट है उसको आपने लास्ट तक जरूर देखना है क्योंकि वो बहुत ही कमाल का एक्सपेरिमेंट होने वाला है। तो आज की इस वीडियो के अंदर मेरे पास है ये देसी अनार जिसको हम शादी वगैरह पे यूज़ करते हैं, मेहंदी वगैरह पे इसको चलाते हैं और ये इसमें से काफ़ी ज़्यादा अच्छी तरीके से वो जो आग निकलती है वगैरह वगैरह। तो आपने इस पर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट देखे होंगे, तो आज मैं इस अनार को जला के उसके ऊपर एक स्टील का बर्तन रख दूंगा और फिर देखते हैं कि इस अनार की कितनी पावर है, वो स्टील के बर्तन को मेल्ट कर पाता है या नहीं मेल्ट करता। तो आपने वीडियो को लास्ट तक लाजमी देखना है। तो चलिए गाइस वीडियो को टाइम स्किप ना स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस तरह के एक्सपेरिमेंट्स वगैरह की वीडियोस देखने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। नीचे आपको एक रेड कलर का सब्सक्राइब लिखा नजर आ रहा है, उस पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें और उसके साथ एक छोटा सा घंटे का बटन जिसको हम बेल का आइकन बोलते हैं उसको भी दबा दें ताकि मैं जब भी आपके लिए इस तरह के एक्सपेरिमेंट की वीडियोज लेकर आऊँ तो उनकी जो नोटिफिकेशन है वो आप तक सबसे पहले पहुँच जाए। तो चलिए गाइस वीडियो को टाइम वेस्ट के बिना स्टार्ट करते हैं। तो गाइज इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए हमने सबसे पहले ये देसी अनार लिया है, उसके बाद ये स्टील का एक ग्लास लिया है जिसके अंदर हम पानी वगैरह पीते हैं, वो ग्लास है ये स्टील का है। और अब हम इसको लाइटर की मदद से यहाँ पर आग लगाएंगे और फौरन इसके ऊपर ये ग्लास रख देंगे और फिर देखेंगे कि इस अनार की पावर कितनी ज़्यादा है और ये क्या ग्लास को ख़राब कर सकता है या फिर इसके साथ क्या एक्सपेरिमेंट वगैरह होता है। तो चलिए गाइज एक्सपेरिमेंट को टाइम इसके बिना स्टार्ट करते हैं। तो मैं यहाँ से इसको थोड़ा सा फाड़ लेता हूँ, इधर से इतना काफ़ी है, ये आप देख सकते हैं कि अंदर कितना ज़्यादा इसके बारूद है। तो इसको रख कर मैं इसके ऊपर सिंपली आग लगा दूंगा। सो गाइस आप देख सकते हैं कि अनार में आग लग चुकी है और आप ग्लास की हालत देख सकते हैं गाइस। ओ माय गॉड, तो गाइस आप देख सकते हैं कि कितनी ज्यादा पावर है अनार की, इसने इसके साथ देखिए क्या कर दिया। ओह माय ओ माय गॉड गाइस आप देख सकते हैं कि इसने ग्लास की क्या हालत कर दी, अभी भी इसमें आग लगी हुई है और इसने जो हमारा स्टील का ग्लास है उसको पिघला कर रख दिया। आप इसकी हालत देख सकते हैं, ये स्टेनलेस स्टील का ग्लास है और इसकी हालत आप देख सकते हैं कि क्या इसने इसका हाल कर दिया एक अनार ने। और ये काफ़ी ज़्यादा गर्म है गाइस और आप ऐसा कहीं पर भी करने की बिल्कुल भी कोशिश मत कीजिएगा, ये बहुत ही खतरनाक है। यहाँ पर सेफ्टी का इंतज़ाम था, पानी था, तो मैंने जो साइड पे आग लगी है थोड़ी सी उसको बुझा दिया। तो आप ऐसा कुछ भी करने की कहीं पर भी कोशिश मत कीजिएगा। बाकी आप ग्लास की हालत देख सकते हैं कि इसने ग्लास के साथ कितना ज़्यादा जो है वो तेज़ी से एक्सपेरिमेंट को कामयाब किया है, यानी कि कितनी ज़्यादा तेज़ी से इसका रिएक्शन हुआ है। और गाइस ग्लास के अंदर आप देख सकते हैं कि कितना बड़ा छेद हो चुका है। मैं इसको उठाने की कोशिश करता हूँ, काफ़ी ज़्यादा गर्म है गाइस, तो इसको पाँव से मैं गिराता हूँ नीचे। और अनार की हालत भी आप देख सकते हैं कि अनार बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, ये देखिए गाइस ये आप इसकी हालत देख सकते हैं। और अगर मैं ग्लास की बात करूं तो ये इसकी हालत भी आप देख सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा ये गर्म है। ओह माय गॉड गाइस, इसको मैंने पानी से ठंडा किया, तो अब आप इसकी हालत देखिए कि एक छोटे से अनार ने इसकी कितनी बुरी हालत कर दी है, इसके अंदर एक छेद हो चुका है। इस साइड से भी आप देखिएगा, ये देखिए गाइस कितने कमाल का जो है रिएक्शन वो यहाँ पर हुआ है, आप इसके अंदर से देख सकते हैं आर पार। सो गाइस आई होप कि आपको आज का एक्सपेरिमेंट देखकर आज की वीडियो देखकर मजा जरूर आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें,
चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस तरह के अमेजिंग और कमाल के एक्सपेरिमेंट्स वगैरह देखने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। नीचे आपको एक रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन लिखा नजर आ रहा है, उस पर क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और उसके साथ ही एक छोटा सा घंटी का बटन जिसको हम बेल आइकन बोलते हैं उसको भी दबा दें ताकि मैं जब भी आपके लिए इस तरह के एक्सपेरिमेंट्स की वीडियो देख रहा हूं तो उनकी जो नोटिफिकेशन है वो आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। और गाइस अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं तो उसका यूजर नेम आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है। तो मिलता हूँ किसी और वीडियो में किसी और एक्सपेरिमेंट के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।